वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीक में एक या दो वीडियो क्यू एन ए से रिलेटेड आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो ये तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछली दो वीडियोज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वो दोनों वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो मोस्टली लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं, मींस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब तो मैं आपको कमेंट में दे ही देता हूँ। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला जो सवाल है यहाँ पर, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद टीचिंग का अनुभव भी हासिल कर चुकी हूँ, DSSB का फॉर्म भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में टीचिंग की पोस्ट पाने के लिए भरा हुआ है, कृपया बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। मैम, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने जो DSSB का फॉर्म फिल किया है, आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी पर अपना पूरा समय और ध्यान लगाना चाहिए। आप अपना ध्यान ना भटकाएं, क्या पता आपका ये DSSB का एग्ज़ाम निकल जाए। तो कोई और नया कोर्स करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप इसकी प्रिपरेशन करें, और भगवान ना करे अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको पूरा पैटर्न यहाँ पर पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्कूल में TGT के पद पर कार्यरत हूँ, मीन्स TGT की पोस्ट पर मैं काम करती हूँ, बताएं कि जॉब के साथ साथ MED कहाँ से कर सकती हूँ या फिर कहाँ से कर सकता हूँ। तो आपको बता दूँ, इग्नू, हिमाचल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी आदि में MED कोर्स ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली से करने की सुविधा है। आप बात करते हैं कि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। वेबसाइट पर जाएंगे, मींस आप गूगल पर जाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत लोगों ने अपडेट कर रखा है, तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जस्ट डायल पर कॉल करें, मींस जो नंबर होता है 10x8, वहाँ से आप बोलें कि मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ के नंबर चाहिए जिनका मैंने आपको जो है आपको बताया है, जिनका नंबर बोला है 10x8 10x8, आप इस पर कॉल करें, इनसे इनकी प्रॉपर वेबसाइट ले लें और इनसे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, और इन यूनिवर्सिटीज़ पर कॉल करके आप जो है वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्या हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करने के बाद BEd किया जा सकता है। तो आपको बता दूँ कि आप BEd नहीं कर सकते, इस कोर्स के बाद BEd नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है स्कूलों में ऐसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ही ऐसा प्रावधान है, मींस ऐसे विषय होते ही नहीं है स्कूल में, इस वजह से इसमें BEd नहीं किया जा सकता। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं ना, तो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग संस्थानों में अनुभव हासिल करने के बाद जॉब तलाश कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पत्रकारिता का कोर्स किया है, 2 साल से जॉब की तलाश में हूँ, अब मैं किसी और फील्ड में करियर बनाना चाहती हूँ, क्या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स करना ठीक रहेगा। तो मैम, आपके लिए जो मेरे पास जवाब है वो यही है कि आप इतनी जल्दी परेशान ना हो, आप इतनी जल्दी हताश ना हो, इस फील्ड में आपको प्रयास करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा MA हिंदी भी करना चाहिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप जो है आपके पास पैसे नहीं है ये करने के लिए, तो आप जो है डिस्टेंस से कर लें, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्यूचर में ज़्यादा, और उसके साथ साथ आप जॉब कर सकते हैं। और बात रही लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स आपकी शैक्षिक जो पृष्ठभूमि है, मींस जो आपने पढ़ाई कर रखी है, को देखते हुए ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि यह एक भटकाव भी साबित होगा। मींस आपने जो पढ़ाई की है, जो आप करते आए हैं पास्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, मींस आपका पाथ बदल जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ और पढ़ाई की है और बाद में आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स ना करें, आपको जो मैंने बताया आप वो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो दूसरे लोगों की मदद कर सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर जरूर दूंगा, या तो नेक्स्ट में दूंगा या फ्यूचर में उनका मुझे जवाब मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना।